हैं देन आई हैव few problems based on the combination of the resistors first beta, calculate the resistance between the points A and B for the network shown in the diagram. आपको एक resistor का बेटे network दिया हुआ है कुछ इस तरीके से. This is the first resistor, this is the second resistor, और इधर आपके पास this is the third resistor and this is the fourth resistor. इनको आपने बेटे network को कुछ इस तरीके से arrange कर रखा है in the form of the English letter A alphabet की form में आपने इसको adjust किया हुआ है. ये point X है, ये Y है, और आपको ये point P, ये Q और ये point R दिया गया है. हर एक पार्ट का जो resistance है, this is 3 ohm, this is 1 ohm, this is बेटे 2 ohm, this is 3 ohm और ये आपका 1.5 ohm. आप इस combination of resistance का जो बेटे effective resistance between points X and Y जो है, this is बेटे needed. So I hope आप कर रहे हैं साथ साथ और करके बताएंगे कि कितना आ रहा है. Dear children, all of you, हाँ पुत्र सॉल्व करिए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस. विदे सेवन, हरजोत सिंह हैज कैलकुलेटेड इट टू बी सेवन और बिल्कुल ठीक आंसर है बेटे. वेरी राइट राघव, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस. बाकी स्टूडेंट्स भी कर लीजिए, मैं भी कर देता हूँ आप साथ साथ. ओके बेटे, थम्स अप फॉर यू. ये दोनों आपके बेटे सीरीज में आ जाते हैं बिगनिंग में. इनका फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 + 2 और आप इसको आर डैश कह सकते हो. दिस इज इक्वल टू 3 ohm. और डियर चिल्ड्रन, इनको दोनों को ही मैं हटा देता हूं यहां से, देखिए. और मेरे पास ये बेटे 3 ohm का एक रेजिस्टर बन गया. इन दोनों की जगह पर एक ही लगा दिया हमने. देन आपके ये दोनों बच्चों पैरेलल में रेजिस्टर्स आपको जो है ये दिए गए हैं. सो आप इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R" बोल दीजिए. दिस इज 1/3 ये प्लस 1/1.5 इस तरीके से. डियर चिल्ड्रन, ये आपके पास 3 आ जाएगा. 1 + 2 बेटा, दिस इज इक्वल टू 3/3. लेकिन ये 1/R" था, 1 आ गया, तो R" इट इज इक्वल टू 1 ohm. और अगर मैं इन दोनों को बेटे अब एलिमिनेट कर दूं तो इन दोनों की जगह पर मेरे पास 1 ohm का रेजिस्टेंस अकेला ही आ जाता है. और अब आप आर नेट निकाल लीजिए, ये और ये और ये तीनों सीरीज में 3 + 1 + 3, दिस इज इक्वल टू 7 ohm बेटा. सो इन दिस वे बेटे आप इसको वर्कआउट कर सकते हो. कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, सिंपल केस है बेटा और आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. आइए बेटे आगे चलें विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन लेट अस कंसंट्रेट. वी हैव फर्दर मोर कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स हैं आपके साथ बेटे डिस्कस करने वाले. लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स. बेटे रादर, आपको बोला गया है ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए. नेटवर्क बच्चों आपको ये दिया गया है, जरा ध्यान से साथ साथ बेटे ड्रॉ कर लीजिएगा ऑल ऑफ यू बेटे. ये आपके पास कुछ इस तरीके का और दिस इज समथिंग लाइक दिस बेटा, एंड दिस इज लाइक दिस, और बेटे ये कुछ ऐसे. एक आपको रेजिस्टर यहां पे भी दिया गया है इन दिस मैनर. दिस इज ए, दिस इज बी. ये बेटे 5 ohm का है, ये भी 5 ohm का है. दिस इज आल्सो 5 ohm, दिस इज आल्सो 5 ohm, दिस इज आल्सो 5 ohm, लेकिन ये 3 ohm का है. ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटे नीडेड है. ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन कैलकुलेट करिएगा हाउ टू गो फॉर विद दिस प्रॉब्लम.
ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इंटेंड टू कैलकुलेट. राघव, हरजोत, बलजिंदर, अंशिका, कनिष्का, कृष्णा, अखिलेश, राघव, दिलप्रीत, भूमिका, डियर चिल्ड्रन मेक कैलकुलेशन इन ऑर्डर टू गो 12.5. ठीक है बेटे, गुड, वेरी नाइस. राघव हैज सॉल्व्ड इट. बाकी स्टूडेंट्स भी करिए जल्दी से. डियर चिल्ड्रन, हरजोत सिंह, गुड, माधव, राइट, भूमिका, गुड. ठीक है बेटे, मैं भी सॉल्व करता हूं, बाकी स्टूडेंट्स जरा कंपेयर कर लीजिएगा. टू बिगिन विद बेटा, आपके ये तीनों सीरीज में आपके पास इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा 5 + 5 + 5, दिस इज 15 ओम. तो इनको तीनों को हटा देते हैं, इनकी जगह पर आई विल गेट दिस इज 15 ओम रेजिस्टर एज सच. ये दोनों आपके पैरेलल में और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R" 1/3 + 1/15, दिस इज 15, 6/15, 2/5, R" 5/2, 2.5 ओम. इनको दोनों को भी बच्चों अगर हटा दें, दिस इज 2.5 ओम देन. और यहां पे सिंपली मैं एक 2.5 ओम का लगा सकता हूं. बच्चों अब ये देखो, तीनों ही आपके सीधा ही सीरीज में है, तो आपके पास 5 + 5 + 2.5, दिस इज 12.5 ओम. इतना आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके सर्किट का निकल आता है. सो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू. आइए आगे चलें बच्चों. इसके बाद फिर मैं एक आपको बेटे करंट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम देता हूं, आप उसको ट्राई करिएगा, देन फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे. हाँ जी कनिष्का, गुड बेटा, वेल डन. डियर चिल्ड्रन, इसके बाद लेट मी फाइंड द प्रॉब्लम. यस यस बेटे, ध्यान दीजिएगा. इन द सर्किट शोन बिलो, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम and 10 ओम रेजिस्टर्स. बच्चों आपको सर्किट जो दिया गया है ये है, दिस इज द सर्किट गिवन टू यू, कुछ इस तरीके का. और ये आपके पास दोनों रेजिस्टर्स 5 ओम का और 10 ओम का इधर कनेक्टेड हैं इन दिस मैनर. ये आपका बेटा नेटवर्क है. दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम. ये करंट आई और इधर करंट आई 1, इधर आपका करंट आई 2. आपको कहा गया है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए एंड देन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम एज वेल एज दिस 10 ओम रेजिस्टर. तो बेटे इसमें से और इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, दिस इज आल्सो नीडेड. तो आप आई होप करेंगे सॉल्व सारे बच्चे. बेटे बलजिंदर, भूमिका, हरजोत, राघव, गुड गुड गुड, करिए बेटे. एक आधा मिनट जरूर लगाइए, मैं भी सॉल्व करूंगा, फिर आप अपना आंसर्स कंपेयर कर लेना. सारे स्टूडेंट्स बेटे सॉल्व करिएगा, रफली सॉल्व करके देखिए डियर ऑल, एंड लेट अस सी व्हाट डू वी गेट ओवर हियर. विनीत, रूप कौर, कुछ नहीं, आपने पता नहीं कैसे लिखा है, विजिबल नहीं है. 42 रोल नंबर विनीत रूप.
यस लेट अस सॉल्व दिस बेटे. गुड ठीक है बेटा. पहले तो ये दोनों आपके बेटे जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं. आपके पास 1/R- जो है दिस इज 1/5 + 1/10 दो आपके पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं. इट विल बी इक्वल टू 10 आपने ऐसे लिख दिया 2 + 1 दिस इज 3/10. इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर डैश जो है दिस इज 10/3 ohm और ये 10/3 ohm इसके साथ सीरीज में है. सो आर इफेक्टिव जो है इट विल बी 10/3 + 2 इट विल बी 10 + 2 = 3 16/3 ohm. चेक करिएगा इतना ही आ रहा है कि कुछ और डिफरेंट आ रहा है बेटा आपका 16/3 ही है कि कुछ और वैल्यू आ रही है डियर चिल्ड्रन. राइट सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने बच्चों निकाल लिया. अब आप टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है पहले वो निकाल लीजिए. ये मैं कह रहा हूं आई इट विल बी इक्वल टू नेट वोल्टेज कितनी है डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है. सो इट विल बी इक्वल टू 4 × 3/16 एंड आई इट इज 3/4 एम्पियर. टोटल करंट बच्चों आपका जो है ये आई ये 3/4 एम्पियर का करंट है. 2 ohm वाले रेजिस्टेंस में से इतना ही पास कर जाएगा लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा आगे इसके पास 2 ब्रांचेस हैं. 3/4 एम्पियर में से आपने मान लिया I1 इधर चला गया. अब I2 कितना बचेगा 3/4 - I1 बचेगा बेटा. अगर टोटल करंट आपका 3/4 है 3/4 में से I1 इधर चला गया बाकी फिर बच गया 3/4 - I1. और बच्चों आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप दो पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हो तो जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल लगे होते हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है. जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है दैट इज इक्वल टू I1 करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस 5. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3/4 - I1 करंट मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I × R. इनको दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए डियर चिल्ड्रन और जब आप इनका कंपैरिजन करोगे आपके पास 5 I1 इज इक्वल टू 3/4 - I1 इंटू 10 5 × 2 = 10. ये चीज बेटे आपके पास बन जाएगी. सो यू विल गेट I1 दिस इज 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 × 2/4 - 2 I1 और ये आपके पास आ जाएगा जी 3/2 बन गया. इसको इधर ले आइए 3 I1 इज इक्वल टू 3/2 एंड I1 इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला करंट जो है इसमें से पास कर रहा ये 1/2 एम्पियर है. टोटल में से 1/2 माइनस कर दो आपके पास आ जाएगा I2 करंट. इट विल बी 3/4 - 1/2 कर लीजिए 1/4 एम्पियर आपके पास आ जाएगा जो इसमें से पास करेगा. एक आपके पास सिंपल सा टेक्निक है अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों करंट्स को ऐड कर दीजिए. अगर आपका करंट इसके बराबर आ जाता है देन बेटे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बेटा एक बार चेक करिएगा डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू और बताइएगा इज इट देयर क्लियर है सारा आपको कि नहीं क्लियर. हरजोत हरलीन हरसिमरन जय आदित्य राघव अखिलेश भूमिका वेरी नाइस बढ़िया
राइट बेटा, एक ऐसा ही और दे रहा हूं आपको, अब ये खुद आप करना बेटा, बिल्कुल मिलता जुलता है, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स इन द नेटवर्क शोन। आपको एक इस तरीके का नेटवर्क दिया गया है सर्किट में, इट इज समथिंग लाइक दिस बेटा, ऐसे है ये, दिस वे, ऐसे ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये बच्चों 5 ओम है। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का और उसके बाद टोटल करंट निकालना है जैसे हमने अभी प्रीवियसली किया है, और हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास करेगा, दिस इज आल्सो नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू 2 मिनट्स जरूर लगाइएगा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दिस आफ्टर दैट। राघव साधना, वृंदा गुप्ता बेटे कर रहे हैं साथ साथ, गुड, ठीक है बेटे, ठीक है, गुड। माधव, राघव रोल नंबर 29, रोल नंबर 29 राघव, राघव रोल नंबर 29, ओके बेटा राइट करते जाइए, गुड। राइट बेटे, राइट राइट राइट, हाँ जी बेटे मैं सारा ही कर देता हूँ, डोंट बेटे वरी। समीक्षा बच्चों, ये दोनों रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 1/R' = 1/2 + 1/3 एंड दिस इज 6, 3 + 2 इट विल बी 5/6 एंड R' आपके पास आ जाएगा 6/5 ओम। ये आपके पास बेटे आ गया रेजिस्टेंस इन दोनों का इफेक्टिव। अब ये दोनों इसके साथ सीरीज में है, नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 6/5 + another 5 और ये बन गया 6 + 25/5 एंड इट इज 31/5 एंड इट इज 6.2 ओम आ रहा है बेटे, चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू बेटा। राघव, बलजिंदर, भूमिका, हरजोत, हरलीन, बेटे आंसर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना बन रहा है, राइट बेटे। अब बेटे देखो, आप टोटल करंट निकाल लीजिए सर्किट का, टोटल करंट आई जो है ये टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस कर लीजिए, 6 वोल्ट की वोल्टेज है और इसको मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, इट विल बी मच बेटर, 31/5 आई इज इक्वल टू 6 × 5/31, 30/31 टोटल करंट 30/31 एम्पियर आपको मिला, ये 30/31 एम्पियर करंट जा रहा है। आगे इसके पास 2 ब्रांचेस अवेलेबल है, इसमें से आई इधर चला गया, I1 कह लो, बाकी बच गया 30/31 - I1, दोनों के क्रॉस वोल्टेज इसको कंपेयर कर दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए देखें करके
जब आप इस 2 ओम के रेजिस्टर्स की अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हो, इट विल बी इक्वल टू आई, आपका आई वन के बराबर है और आर आपका 2 है। जब आप इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हो, आई आपका 30/31 माइनस आई वन और आर आपके पास 3 ओम के बराबर का है। डियर चिल्ड्रन, पैरेलल में बिकॉज वोल्टेजेस बराबर होती हैं, आप इनको वोल्टेजेस को कंपेयर कर दीजिए। पहले आपको आई वन मिल जाएगा, रेस्ट ऑफ द करंट कैन बी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर। दिस इज 2 आई वन एंड दिस इज 3 एंड 30/31 माइनस आई वन, ये आपके पास बेटे 3 को आप इंट्रोड्यूस करिए। 2 आई वन इज 3 इंटू 30/31 माइनस 3 आई वन, इसको उठाकर इधर ले आइए। 5 आई वन इज 3 इंटू 30/31, दिस इज देयर आई वन, इट इज 18/31 एम्पियर, 18/31। सो ये इसमें से 18/31 एम्पियर करंट जा रहा है, बाकी इसमें पुट करके आपको मिल जाएगा। सो इट विल बी 30/31 माइनस 18/31, ये 12/31 एम्पियर करंट आपको इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में से मिल गया। 12/31 एम्पियर इधर से जा रहा है। सो इन दिस वे बेटे आप ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो सारे बच्चे एक बार देखिए और बताइए बेटा, कोई आपकी प्रॉब्लम, कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी पॉइंट दैट नीड्स री डिस्कशन? राघव, अखिलेश, हंसिका, आशिमा, बलजिंदर, भूमिका, हरजोत, हरलील, हरसिमरन, जय, आदित्य, कनिष्का, कार्तिक, केशव, कीर्ति, माधव, पलक, प्रभप्रीत, राघव एंड रूहानी, सात्विक, सजल, समीक्षा, सिमरप्रीत एंड सुयश, तृप्ति, वरिंदा गुप्ता, विनीत रूप, पारुल, दिलप्रीत, इकजोत एंड कृष्णा, ऑल द चिल्ड्रन। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत वाली बात है तो यू आर मोस्ट वेलकम। वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। आप साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड ऑन योर पार्ट। बोलिए जी सर। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है V is equals to 30/31 minus I1 into 3, वो 3 कहाँ से आया? इसका रेजिस्टेंस बेटे, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। V is equal to I into R होता है ना, I आपका है इतना, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, R आपका 3 ओम है, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस। V is equal to I into R, क्लियर हुआ पुत्र? ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आइए आगे चलें विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस प्रोसीड फर्दर बेटा। इसके बाद बच्चों एक थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, आई वाज जस्ट व्यूइंग दैट, आपको मैं वो देता हूँ। यस बेटे, थोड़ा सा नोट करना होगा आपको बेटे ये क्वेश्चन। An aluminium wire has a diameter of 0.5 mm. An aluminium wire has a diameter of 0.5 mm. ठीक है जी। And resistivity rho 2.8 × 10⁻⁶ ohm. ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, सारे ही अलग अलग दिए हैं उसने। How much length of this wire is required to make a 10 ohm coil? बच्चो, अल्मीनियम की वायर है, 0.5 mm इसका डायामीटर है, रेजिस्टिविटी आपके पास है, इस वायर की कितनी लेंथ को हम कॉइल की फॉर्म में फोल्ड कर लें
ताकि रेजिस्टेंस 10 ओम बन जाए. दिस इज नीडेड बेटा. एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? यस विद डियर ऑल. भूमिका, बच्चों आर जो है रो इंटू एल बाई ए के बराबर हुआ करता है. आर जो है रो इंटू एल बाई पाई आर स्केयर के बराबर हुआ करता है. और रेडियस आपका डायामीटर का हाफ होता है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी बाई टू का स्केयर पूरा. और थोड़ा सा इसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा, आर इट विल बी इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्केयर. ये टू का स्केयर फोर आपका ऊपर चला जाएगा जी. अब आपको लेंथ निकालनी है, बाकी सब कुछ आपके पास है, लेकिन यूनिट्स का ध्यान रखिए. लेंथ आपके पास आ जाएगा पाई डी स्केयर इंटू आर अपॉन फोर रो. यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करिएगा. कैलकुलेशन पार्ट आपसे करवा रहा हूं बच्चों, आप सारे बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं काम साथ साथ. फटाफट ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताइए कि कितनी लेंथ आ रही है जी. ऑल ऑफ यू, हरलीन, हरसिमरन, जय आदित्य, कनिष्का, हरजोत, डियर चिल्ड्रन, मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू बेटा. भूमिका, सर प्लीज दोबारा करवा दो ये वाला क्वेश्चन. हाँ जी सर, ये वाला दोबारा समझाना क्या है? दोबारा समझ लो बेटे, आपको एक अल्मीनियम की वायर दी गई है, इसका डायामीटर 0.5 mm के बराबर है और इसकी रेजिस्टिविटी भी आपको दी हुई है. अब आपको उन्होंने कहा है कि इस अल्मीनियम की वायर की कितनी लेंथ लेकर उसको एक कॉइल की शेप दे दें ताकि रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए. मतलब आपको लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है. तो आप आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला जो आपका रेजिस्टेंस का है वो लगा लेंगे. और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह आप डी बाई टू लिख सकते हो. इट विल बी रो एल पाई डी स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा. और आपको बिकॉज एल निकालना है, एल को आपने एक साइड पे रख लिया, बाकी सारा कैलकुलेट कर लिया बेटा. देखिए पुत्र कैलकुलेशन करके सारे बच्चे बेटे, ऑल ऑफ यू एंड टेल व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. लेंथ कितना आ रहा है बेटे राघव? राघव, हरजोत, भूमिका, जय आदित्य, पलक, कैलकुलेशन पार्ट, रिजल्ट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड. नहीं 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 बेटी, भूमिका ऐसे नहीं कहिए, ये नहीं, आप ऐसे नहीं कहिए, नहीं निकल रहा है. सिंपल वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेटर आपके पास है, आप आराम से इसको सॉल्व करके बता सकते हैं. ऐसे नहीं कहिए कि नहीं निकल रहा, इट शुड नॉट बी देयर. हाँ जी, गुड गुड गुड, करिए बेटे, अब करिए, वेरी नाइस. देखिए बेटे कैलकुलेशन करके देन. नाइस, हरजोत, हरजोत, हरजोत सिंह, 10th बी क्लास रोल नंबर 10. नहीं नहीं नहीं, और इतने किलोमीटर में नहीं आएगी हरजोत,
बेटे एक बार रीचेक करो, किलोमीटर्स में नहीं आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आ गई है, कैलकुलेशन को एक बार रीचेक करिएगा। यस ओके। बाकी बच्चे भी करते जाइए साथ साथ बेटे, वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, इतना ज्यादा लेंथी काम नहीं। चलिए मैं आंसर लिख देता हूं, आप फ्री टाइम में सॉल्व कर लीजिएगा। 70.15 मीटर्स बेटे ये लेंथ आ रही है। आप जब भी आपके पास टाइम हो फ्री इसको कैलकुलेट करिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। बाकी फिर हम बेटे काम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल बेटे, डियर चिल्ड्रन।